अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आई हूँ जिसे मैंने फॉलो किया है मरियम परवेज़ से। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए आड़ू एक दरमियाने साइज़ का, एक टेबल स्पून हमें बालाई चाहिए और एक ही टेबल स्पून हमें बादाम का पाउडर चाहिए। अब हम एक खाली पॉट ले लेंगे और सबसे पहले हम पीच को वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इस पे जो डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। तो पीच की क्वालिटीज़ की बात करें तो इसमें विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है जो कि रिमूव करता है डार्क सर्कल्स को एंड ब्लेमिशेस को कंट्रोल करता है। मोर ओवर इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें वो रिमूव करते हैं रिंकल्स को। तो सबसे पहले इसको स्लाइस कर लेंगे छोटे छोटे, तीन तीन से इसके स्लाइसेस कर लेंगे ताकि हमारा पेस्ट बनाने में हमें ज़रा इजी हो जाए। तो अब इसका एक मैं पेस्ट बना लूँगी अच्छा सा, इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक इसको एक पेस्ट की शक्ल में बना लें। ले जी हमारा पेस्ट रेडी है जो कि हमारी बेस है मास्क की। तो अब मैं इसको एक अलग से बर्तन में ना निकाल लूँगी, एक बाउल ले लूँगी उसमें इसको निकाल लूँगी। तो बहुत ही हमारा ये फाइन सा पेस्ट एक रेडी हो चुका है। तो ये नेचुरल रेमेडीज़ जो होती हैं ना इनको अपनी स्किन पर लाजमी यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। आलमंड पाउडर की बात करें तो बादाम जो होता है वो भी विटामिन ई से भरपूर होता है, ये नरिश करता है हमारी स्किन को, सॉफ्ट बनाता है और जो हमारी सन से ना डैमेज हुई होती है ना स्किन, सन बर्न हुआ होता है उसको भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। तो अब भलाई इसमें मैं लूँगी, एक टीस्पून इसमें फ्रेश मिल्क की भलाई ले लेंगे। तो जो भलाई है ना स्किन के लिए जो मिल्क क्रीम है वो डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है और हाइड्रेट रखता है स्किन को। अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी जो कि हनी है। हनी यू नो हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है। तो हमारे एक मास्क को एक सॉफ्ट सा बनाने के लिए, एक सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए मैं इसको इसमें हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी। तो अब इन सब चीज़ों को ना मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, एक पेस्ट की फॉर्म में इसको रेडी कर लूँगी। तो इसको यूज़ किए करिएगा, लाजमी यूज़ करिएगा क्योंकि ये जो होती है ना इसमें सारी तो चीज़ें नेचुरल हैं, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्किन को नुकसान देगी या डैमेज करेगी स्किन का। तो बड़ा अच्छा ही ग्लो इसमें आया, मैंने इसको खुद यूज़ किया है इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो अब ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसको 20 मिनट तक, जब तक ये 20 मिनट का मैं इसको टाइम दूँगी, जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता, प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको ठंडे पानी के साथ इसको मैं वॉश कर लूँगी। तो ये है फाइनल रिजल्ट्स, यू नो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मुझे रिसीव हुए। तो ये फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं एक ही बार के यूज़ के बाद मुझे इस पर कितना ग्लो मतलब फील हुआ है स्किन के ऊपर। तो लाजमी इसको ट्राई किया करें, यू नो जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ना वो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।